अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हम स्टील मिल में काफ़ी घूमा फिरा, अभी हम पहुँचे यहाँ पर बस स्टॉप है और पीछे ग्राउंड है। एक तरफ से वो ज़बरदस्त माहौल है जिससे कि हमें लगे इस्लामाबाद में हम पहुँचे हुए हों। यहाँ पे सड़कें और दुकानें मार्केट्स ऐसे अरेंजमेंट वाले अरेंजमेंट में लगाया गया है, तो इसकी क्या ख़ास खूबी हो सकती है? जनाब मेरे साथ सनाउल्लाह लाशारी मौजूद है जी। सर जब स्टील मिल की बुनियाद रखी गई थी तो यहाँ पे रशियन और चाइनीज़ आए थे, उन्होंने ये सोसाइटी प्लान करके बनाई थी। अच्छा। और इस सोसाइटी की सबसे बेहतरीन बात ये कि यहाँ पे लोगों के लिए पार्क्स हैं, मतलब बैठने के लिए जगह हैं, फुटपाथ बने हुए हैं। अब हमारे पीछे ही डायरेक्ट जो है ना, अगर आप देखें तो वहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड भी बना हुआ है, क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है, बास्केटबॉल का ग्राउंड बना हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पे लोगों के इंजॉयमेंट के लिए बैठने के लिए चीज़ें हैं, जगह हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं। और ये जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी बनाई है वो प्लान के तहत बनाई है। अच्छा। और हमारे यहाँ जो हमारे अगर बाहर सिविल में चले जाएं तो कोई प्लान नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता, ऐसे ही चल रही होती हैं सारी चीज़ें। अच्छा जी। तो मतलब तो ये हमारे लिए एक नसीहत भी है, एक राह रास्त भी है कि हमारे जो गवर्नमेंट है, जो हमारे न्यू डेवलपिंग एरियाज़ है, उनमें इस तरह की प्रोजेक्ट को एक वेल मैनर वेल प्लान के तहत बनाएं ताकि लोगों को आने वाले हमारे नस्लों को उनके लिए राहत हो, उनके लिए आसानी हो, उनके लिए हर जो मौके खेल कूद से लेकर बैठने से लेकर घूमने से लेकर वर्जिश से लेकर सब कुछ उनके लिए